तो आज हम बनाते सेब के साथ कस्टर्ड। ये हमारे 3 सेब है और वो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ये कस्टर्ड है वो मैंने पैकेट से बोतल में डाल के रखा है। ये कस्टर्ड है तो ये कॉर्न स्टार्च है, इसको हम अपने हिसाब से कितना बनाना है अपने हिसाब से डालेंगे। ये बटर है, थोड़ा सा इसको यूज करेंगे। ये दालचीनी है, इसको भी थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी चीनी अपने हिसाब से डालेंगे। और ये बादाम है और ये दूध पैकेट है एक। तो ये इसकी सामग्री है, फिर बनाना अपने हिसाब से है कितना ज़्यादा कम बनाना होगा। तो सेब को हम छील देंगे। अगर गोल्डन सेब है तो छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रॉयल है, इसको छिलका उतार देंगे ना तो फिर लाल ऐसे हो जाएगा, छिलके का कलर आ जाएगा। तो इसको हम दो सेब पहले पीस लेंगे, छील देंगे छोटे छोटे, एक बाद में काटेंगे। ये हमने सेब छील दिए, अभी इसको काट के थोड़े छोटे पीस करेंगे जो मोटे ना रहे। तो सेब को हम पीस लेते हैं। तो सेब को कैसे पीसेंगे, उसको दूध के साथ पीसेंगे हम, कभी कम ही डालते कहीं ऊपर ना आ जाए। तो ये हमने पीस लिया सेब, फिर इसको डाल देंगे जिसमें बनाना है उसमें डाल देंगे हम। इसको छान भी सकते पर मैं तो छान नहीं रही, छान के भी डाल सकते। तो अभी डालते हम इसमें पहले कस्टर्ड डाल देंगे 2 चम्मच। और 1 चम्मच 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। वो इसमें भी बना सकते, कस्टर्ड में भी बना सकते, कॉर्न स्टार्च ज़रूरी भी नहीं है। और इसमें हम चीनी डाल देंगे, वो अपने हिसाब से है मीठे के हिसाब से। तो मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही, छोटा चम्मच टेबल चम्मच। तो अभी हम गैस ऑन करते, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं पहले, क्योंकि ठंडे दूध में डाला हमने, इसकी गांठे तो नहीं बनेगी, थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। फिर इसको पकाएंगे और पकाते पकाते इसको मिक्स करते रहेंगे। वो जब तक पक ना जाए तब तक हिलाते रहना पड़ता है इसको, ना तो नीचे लग जाता है। तो ये अभी गाढ़ा होने लग गया, इसको हम थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे, एकदम पतला नहीं बनाएंगे। हाफ के जी में 2 चम्मच हमने कस्टर्ड डाला है, 1 चम्मच 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है, ऐसे हो गया गाढ़ा। तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, ऐसे तो पक ही जाता वो एक बार गाढ़ा हो गया। तो अभी ये हो गया, तो इसमें हम कटोरी में इसमें भी डाल सकते हैं किसी भी चीज़ में, पर मैं इसमें डाल रही हूँ डोंगे में। तो ये हमने डोंगे में डाल दिया, अभी इसको ठंडा करेंगे, फिर ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख देंगे, फिर ऊपर से थोड़ा बना देंगे। तो अभी ये सेब वो हमारा कस्टर्ड हो गया, अभी इसको हम छील देते हैं।
अब इसको हम काट देते छोटा छोटा, सेब को छोटा छोटा काट लेते। ये हमने सेब छोटा छोटा काट दिया, तो ये हम इसमें बटर डाल देते। ये बटर डाल दिया हमने इसमें, इसको इसे पिघलने देते। साथ में इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच डाल देते हैं। बटर अपनी मर्जी है, कम ज़्यादा डालने से। बटर ले तो थोड़ी सी चीनी को ऐसे पकड़ा दो, उसमें सेब पका दो, थोड़ा सा डाल दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें ये सेब डाल देंगे हम, अब ये सेब को इसमें अच्छे से पकाएंगे, पकाएंगे मतलब इसमें थोड़ा इसको नरम कर देंगे सेब को। तो जैसे दालचीनी है तो मेरे पास पाउडर नहीं है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा कद्दूकस करके कर सकते हैं, थोड़ा सा इतना के बस चुटकी भर डालना हमारे को, उसमें ज़्यादा नहीं डालना, ऐसे कर दिए। तो ये हमने बादाम कर दिए छोटे छोटे, वो अपनी मर्जी है, ड्राई फ्रूट डालो नहीं डालो, और ये दालचीनी है, ये बादाम है, और ये हमारे सेब भी अच्छे से हो गए। ये 2 मिनट में हो जाते, इसको ज़्यादा गाढ़े के नियम अच्छे से हो गए। अभी उसको डालेंगे, अभी गैस करके बंद। ने इसको ठंडा कर दिया, फ्रिज में रखा था, अभी निकाल के खाने के लिए। ऐसे और इसमें हम हमारे कुछ ऐसे पहले ही डाल देते हैं थोड़ी दालचीनी, पर हमारे को इतना पसंद नहीं है, चुटकी भर दालचीनी डाल देते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, फिर फ्लेवर ज़्यादा तीखा है, वो अपनी पसंद है। अरे सेब हमने बना लिए, अभी इसको ऐसे डाल देते। तो अभी हम जो बादाम हमने छोटे छोटे काट के रखे थे उसको इसमें डाल देते हैं, वो अपनी मर्जी है। वो दालचीनी भी किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं, मारे को इतनी पसंद नहीं है, इसी थोड़ी सी ऊपर से डालिए। ये तैयार हो गया हमारा सेब का कस्टर्ड, सेब और कस्टर्ड। तो ये हमारा एप्पल कस्टर्ड है, जो झटपट बन जाता है, और ज़्यादा बना सकते हैं, मैं तो हम लोग कम ही जाने तो इसलिए बना दिया। अभी ये ठंडा कर दिया, तो इसको हम खाने को, तो इसको ये इस तरह जम जाएगा जब खाना हो, तभी निकालो। छोटे छोटे बर्तन में भी रख सकते हैं, पर मैं बड़े में ही रहती हूँ। तो एप्पल कस्टर्ड तैयार है, अभी आप भी बनाइए और खाइए, इजी से होता है। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।